हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो मैं अभी वीडियोस लाऊंगा जिसमें हम मोडम, स्विचेस, राउटर्स वगैरह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम मोडम के बारे में जानेंगे कि मोडम डिवाइस जो है, जो नेटवर्किंग का एक डिवाइस है, ये क्या है, इसका काम क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, इस बारे में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट वायर दैट कम्स फ्रॉम टेलीफोन लाइन, जो आपके टेलीफोन लाइन से जो फर्स्ट वायर जाती है और आपके हाउस से कनेक्ट करती है, उसी को हम मोडम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट वायर दैट कम्स फ्रॉम द टेलीफोन लाइन आउटसाइड योर हाउस प्लग डायरेक्टली इन टू द मोडम। तो ये राउटर से जो वायर जाती है आपके घर से बाहर, वो जाके मोडम से ही कनेक्ट होती है इंटरनेट आपके डिवाइसेस पे लाने के लिए। ठीक है, फ्रॉम द मोडम यू कैन कनेक्ट टू राउटर थ्रू द इथरनेट केबल या फिर वायर्ड वायरलेस, आप जो भी है इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो राउटर की वायर आपके घर से बाहर जाती है और वो जाके कनेक्ट होती है मोडम से। तो मोडम का जो काम होता है वो बेसिकली मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का होता है, मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपका मोबाइल है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, जो भी है, वो सबसे पहले कनेक्ट होता है राउटर से, चाहे वायर्ड हो या वायरलेस हो, ये सबसे पहले कनेक्ट होता है राउटर से, और राउटर जाके कनेक्ट होता है मोडम से, और फिर मोडम के थ्रू आप इंटरनेट पे जा सकते हैं। तो यही काम होता है राउटर का, जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन यानी एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करने के काम होता है। तो मैं हर एक वीडियो में आपको नोट्स भी देता जाऊंगा, आप ये चाहे तो नोट कर सकते हैं, यही इसका काम होता है। तो व्हेनेवर यू हैव योर ओन होम नेटवर्क, इट हैज़ टू पास थ्रू मोडम टू गेट टू द इंटरनेट। तो आपके होम नेटवर्क को है मोडम से पास थ्रू होना ही चाहिए इंटरनेट पे जाने के लिए। ठीक है, तो इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल फ्रॉम योर राउटर टू एनालॉग सिग्नल दैट विल बी सेंड थ्रू कॉपर वायर, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। जब आप अपने घर पे जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो एक मोडम अटैच करता है आपके टेरेस पे जाके। तो यही होता है उसका काम। मोडम इज़ अ डिवाइस और प्रोग्राम दैट एनेबल्स कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा। तो आप ये पढ़ सकते हैं कि यही इसका मतलब है, कि इसका जो काम है ये यहाँ पे इंग्लिश में और लिखा हुआ है डिटेल में, कि मोडम इज़ अ डिवाइस और प्रोग्राम दैट एनेबल्स कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर। मिसाल के तौर पर आपका जो टेलीफोन या फिर केबल लाइंस होते हैं, तो ये इसको डिजिटली कन्वर्ट करता है। वेयर एज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस इज ट्रांसमिटेड इन एनालॉग वेज। सो डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन के लिए मोडम का इस्तेमाल होता है, यही इसका काम होता है। और हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जो स्पीड है मोडम की और इंटरनेट स्पीड दोनों कंपेटेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए आपने मॉडम ले लिया जो 300 Mbps की स्पीड, 300 Mbps की स्पीड से काम कर सकता है, लेकिन आपने इंटरनेट कनेक्शन जो लिया सिर्फ 50 Mbps का है, तो आपको ये जो एक्स्ट्रा आपने स्पीड लिया है उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जब आप 300 Mbps का आपके पास मॉडम है, तो आपको अगर 300 Mbps की स्पीड का आप अगर इंटरनेट भी लेंगे तो कंपैटिबल रहेगा, वरना ये जो स्पीड का आपने एक्स्ट्रा स्पीड का एक्स्ट्रा खर्चा करके आपने जो मॉडम लिया है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं मॉडम के, स्टैंडर्ड जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं उसको हम डॉक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, जो कि लेटेस्ट वर्जन अब जो चल रहा है वो 3.x है, और मॉडम के जो चैनल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, 4x4 या फिर 8x4। इसमें जो फर्स्ट नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 8x4 का आप देखेंगे, वो फर्स्ट नंबर है, इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम, और जो सेकंड नंबर है ये होता है अप स्ट्रीम। तो 8x4 में जो है 8 डाउन स्ट्रीम के लिए यूज़ होता है और ये 4 अप स्ट्रीम के लिए यूज़ होता है। तो मॉडम्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि केबल मॉडम्स होते हैं और फिर DSL मॉडम्स होते हैं। केबल मॉडम जो है इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ओवर अ लैंडलाइन कनेक्शन। जैसे कि आप ये इमेजेस में देख सकते हैं कि इस तरह के आपने आप केबल्ड जो मॉडम होते हैं, इस तरह के आप जो फोटोग्राफ में दिखाए हैं आपने ऐसे देखा होगा पहले। इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग एक्सेस टू ब्रॉडबैंड। तो ये केबल
केबल मोडम्स होते हैं इस तरह के, आप ये फोटो में देख सकते हैं। और एक और टाइप होता है जो डीएसएल मोडम होता है। डीएसएल का मतलब है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर और राउटर वो टेलीफोन लाइन विच प्रोवाइड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सर्विस फॉर कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट। ठीक है, तो ये इसका दो टाइप्स होते हैं। आप अगर किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा गया है तो आप बता सकते हैं कि केबल मोडम एक होता है और एक डीएसएल मोडम होता है जो कि डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होती है। आप देख सकते हैं इस तरह का, आपने कहीं पर अगर मोडम देखा होगा तो आप कह सकते हैं कि डीएसएल मोडम है, जबकि वायर्ड केबल जो मोडम होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इससे मोडम के बारे में जानकारी मिली होगी। मोडम का सिर्फ यही काम होता है कि वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्शन के लिए काम होता है, और ये हमेशा राउटर के साथ कनेक्ट होता है। ये आपको जानने की ज़रूरत है। आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।